नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में अब भी कोरोना का कहर जारी। लगातार चौथे दिन 3 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,52,991 नए मामले आए सामने। सीबीएसई परीक्षा में पूछे जाएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल। 9वीं से 12वीं तक बदला जाएगा एग्जाम पैटर्न। 9वीं से 12वीं तक के प्रश्न पत्र में शॉर्ट और लॉन्ग सवाल होंगे कम। नहीं शुरू हुआ बेलगाम विमान, पटना पर भी संदेह। विमान क्षेत्र बुरी तरह हुए प्रभावित, नहीं मिल रहे यात्री। शहर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 7,000 के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा। बीते 24 घंटे में 7,771 मिले नए पॉजिटिव। 87 लोगों ने गंवाई कोरोना के चलते जान। संडे को सिटी रही सुनसान। 11 के बाद छाई रही वीरानी। कड़ाई का दिखा असर। ऑटो और सिटी बसें हुई प्रभावित। पेट्रोल पंप भी रहे खाली। हुड़केश्वर थाना में शिक्षक को जख्मी कर लूटने का मामला आया सामने। आरोपी 3,26,000 के जेवर लेकर हुए फरार। उत्पात मचाते धरे गए दो अपराधी। यशोधरा नगर पुलिस ने जब्त की दो तलवारें। दोनों अपराधियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी। लॉकडाउन का दिखा असर। कोरोना की टूटी कमर। महाराष्ट्र से हार रहा मातम। राज्य में नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। राज्य में अब 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में लगेगा कोरोना का टीका। ठाकरे सरकार का ऐलान। टीकाकरण अभियान का रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से होगा शुरू। यवतमाल में 20 पॉजिटिव हुए फरार। घाटंजी पुलिस ने दर्ज की FIR। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय पुरम ने दी जानकारी। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।